असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने उल्फा, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते को महत्वपूर्ण बताया है। दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस शांति समझौते का असर साफ देखा जा सकता है। असम में तीन विशेष अंचल हैं जहां पर कि पिछले कुछ दशकों में उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या रही, उसमें से एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR था, दूसरा हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट से दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के, और तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी में हमारा जो अल्फा का आंदोलन और उग्रवाद रहा, ये समस्या रही। इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में पूर्ण शांति आ चुकी है। सारे ही ग्रुप्स जितने भी थे सब सरकार के साथ वार्ता करने के बाद उन्होंने अपने अपने पीस अकॉर्ड साइन किए। इसी प्रकार से जितने इन सभी अंचलों में आदिवासी ग्रुप्स थे उन्होंने भी पीस अकॉर्ड साइन किए। इसके बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था वो अल्फा का था। तो अल्फा की लीडरशिप पिछले कई सालों से सरकार के साथ बातचीत में थी, भारत सरकार के साथ और असम सरकार के साथ, और काफ़ी लंबे समय की वार्ता के बाद उनके जो विषय बिंदु थे उनके ऊपर आलोचना हुई। आलोचना के बाद ये एक निष्कर्ष निकला कि इस तरह से एक पीस अकॉर्ड साइन करना है। इस पीस अकॉर्ड से असम में और नॉर्थ ईस्ट में एक नई धारा विकास की और उन्नति की आएगी।